अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्तान हम पहुंच गए हैं माशाल्लाह से। मुल्तान के रेस्ट एरिया पर बच्चों को फ्रेश वगैरह किया है, बच्चों को वाशरूम लेकर गए, अभी इनके पापा वाशरूम गए हुए। गाड़ी का हमने बोनट खोल दिया ताकि इंजन को ठंडक मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर सो गई थी। जवाब साहब मेरे ख्याल से वापसी गाड़ी में बैठ गए। जवाब साहब, जवाब नहीं, जवाब है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया ये। और अहमद साहब भी वाशरूम गए। और यहाँ से देखे ये बादल, देखे कितने घने बनाए, ये देखे ये हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। बस अल्लाह पाक रहम करे, हम जल्दी से ना घर पर पहुँच जाए अपने। साहबी वाशरूम से होकर आ गए, मुँह भी धो लिया। वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब वो देखा पीछे बादल, देखे ये देखे, एंजॉय हो रहा है। एंजॉय हाँ, हाँ? एंजॉय हो रहा है, रात का एंजॉय हो रहा है। और सफर में मैं थोड़ी सी परेशानी हुई, पहले मेरी तरफ का शीशा खराब हो गया, दोबारा अहमद साहब की तरफ का शीशा, बस इसके शीशे ही खराब हो रहे। अब सुबह तो नहीं, सुबह थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, परसों वाले दिन हम सब जाएंगे गाड़ी का। अब गाड़ी पूरे रास्ते हम शीशा खोल कर आए, बिल्कुल शीशा काम ही नहीं कर रहा। चलो एक फायदा हो गया, एक फायदा हो गया, जहाँ हमारा एसी चलता है डबल तेल लगता है ना, वहाँ हमारा सिंगल तेल लगेगा। एसी बंद, ये साहब का शीशा यहाँ से अंदर गया। ये अब इसकी गरारी चल रही है, लेकिन इसका बेल्ट उतर गया। वो पता नहीं क्या चेन वेन होती है ना, जो वो उतर गया। मेरे वाले का सही है, मेरे पहले मैंने अपने वाला बनवाया, बेगम साहबा वाला खराब हो गया। हाँ जी, फिर बेगम साहबा वाला बनवाया, अब मेरा खराब हो गया। चलो शादी से हम जैसे निकले, बचत हो गई। हाँ, तुम्हारी तो तेल की बचत हो गई, और जो शोर शाये शाये मेरे दिमाग पे आ रहा है वो क्या करें अब। तो नवाज भाई का भी रास्ते में फोन आया, कॉल आई, और कहने लगे कि कहाँ पहुँच गए। तो हमने कहा कि हम उस वक्त पीर महल क्रॉस कर रहे थे, हम माशाल्लाह अब्दुल हकीम क्रॉस कर रहे थे। तो नवाज भाई ने कहा चलो ठीक है, माशाल्लाह खैर खैरियत से जाओ, खैर खैरियत से आओ, अल्लाह पाक सब मुसाफिरों को अपने घर खैर खैरियत से ले जाए। काफी मुसाफिर होते हैं ना जी, देखें वो बसें जा रही हैं, अल्लाह पाक सब मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाए, आमीन। बस मैं सबसे यही कहती हूँ कि आराम आराम से चलने, रात भी अपने दिन भी अपने, देर से पहुंचना अच्छा है हमारे सेहत के लिए भी और हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह, अब 15-20 मिनट इसको रेस्ट देंगे ना, हम भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह निकलेंगे। इनमें मैं जो गोश्त बना हुआ था ना जी, कट्टे का बड़ा गोश्त, ख़ास तौर पर गर्मियों में खाने से बंदा अवॉइड करे, क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की लगती है। मैंने नॉर्मल खाया था, लेकिन उसके बावजूद भी दो छोटी बोतलें पानी की मैं अकेला पी गया। मैं कट्टे का गोश्त खाते नहीं हूँ, और मैंने खाया नहीं। मैंने चाइनीज़ राइस बने हुए थे, चिकन वाले, अंडे वाले और गाजर वाले, मैंने सिर्फ वही थोड़े से खाए थे, क्योंकि मुझे पता था कि सफ़र पे जाना नहीं, थोड़ा खा लें, प्यास सिर्फ लगती है और कोई। हाँ जी, मैंने सिर्फ राइस और एक कोल्ड ड्रिंक। चावल वैसे भी सफ़र में खा के नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ना गैस बनाते हैं। मैंने तो सिर्फ थोड़े से खाए। ड्राइवर को तो खास तौर पे चावल नहीं खाना चाहिए। अहमद साहब जल्दी से अब रवाना हो, क्योंकि बादल ये चढ़ा है, बिल्कुल बादल है तो पीछे की तरफ है, इधर थोड़ी है, वो उधर है, ऊपर चढ़े हैं आ रहे ना ये बारिश। हाँ, अब तो पता है कमर में भी डराते हैं, 24-29 अप्रैल तक अपने कहीं नहीं निकलना, तूफानी बारिश है। अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक सबको अपने मान में रखे, अल्लाह पाक अपना रहम और करम। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सही टाइम पे पहुंचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम जो है ना तकरीबन 9:31 और रूटीन वाइज जैसे हम सोते हैं उस टाइम तक घर पहुंच जाएंगे। माशाल्लाह 11:30-11 बजे तक हम लोग अपने घर, यहाँ से तो 1 घंटा हमें मोटरवे पे घर तक पहुंचने का लगता है, और आगे आगे का वो है ना, हाँ जीटी रोड का, डबल रोड नहीं सिंगल रोड है, वन वे रोड चलता है, और लाइटें मुंह पे लगती है, बस वही खा जाता है थोड़ा सा टाइम। बस वहाँ चलें जी, सफर को करते हैं बिस्मिल्लाह करके कंटिन्यू, वहाँ से थोड़ा सा, जैसे हमें यहाँ से 1 घंटा मुल्तान से घर तक का लगता है ना, वहाँ से हमें 1 घंटा जीटी रोड से लगता है घर तक का। अभी आपको दिखाता हूँ मोटर चला के इसकी, बाकी तो ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये चेक कीजिएगा, यहाँ से खाली मोटर चल रही है, शीशा ऊपर नहीं आ रहा, वो वाला ठीक है। हाँ ये माशाल्लाह, लेकिन इसका बटन खराब है। हाँ। ये मैं सभी ऊपर नीचे इसके शीशे को करते हैं, लेकिन मुझसे नहीं होता वो वाला बटन खराब हो गया। चलो अभी परसों सही करवाएंगे, कल थोड़ा सा रेस्ट करेंगे इंशाल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह घर पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। अपने वीआईपी मोटरवे रोड पर हम पहुंच गए हैं। अल्लाह का लाखों लाखों करोड़ों बार शुक्र है। खैर खैरियत से हम अपने घर पर पहुंच गए हैं। मिलते हैं अब दरवाज़ा जब खोलते हैं और इंटर होते हैं घर इंशाल्लाह। माशाल्लाह आते ही प्यास लग गई है। अल्हम्दुलिल्लाह से जी वेलकम टू अब्बासी हाउस। अल्हम्दुलिल्लाह क्यों बच्चो हाँ आँख खुल गई। ये भी सो गया था, ये भी सो गई थी, हादिया भी सो गई थी। आज राबिया ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, सो ही नहीं है माशाल्लाह से। मैं सो जाती तो नहीं नहीं यही टाइम होता है वैसे भी हमारा अमूमन सोने का घर में। नहीं, इस टाइम तक तो जाग ही रहे होते हैं ना। गाड़ी में। हाँ गाड़ी ड्राइविंग के टाइम तो एक अलग बात है, लेकिन आज साइड शीशा नहीं था ना तो हवा सोने नहीं देती। अगर साइड शीशा बंद होता ना और एसी की हवा ठंडी ठंडी लगती ना, फिर नींद का डर होता है कि नींद आ जाएगी। बहुत जोर से लग रहे थे रास्ते से लिए हम। हाँ बर्गर बर्गर लिए वो बर्गर लिए हाँ। और अभी खाएंगे हम खाना तो आप सबसे मिलेंगे हम इंशाल्लाह सुबह। वेलकम बैक सुबह बखैर। और माशाल्लाह जी मेहनतें हो रही हैं, मेहनतें। सोना समेटने के दिन है ना तो हमने भी मौका गनीमत समझा, हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी थोड़ा सा सोना है ना वो समेट को। वालेकुम अस्सलाम ठीक है। हाँ देखें जी ये भूसा इकट्ठा किया जा रहा है चारों तरफ दीवार लगा। अल्हम्दुलिल्लाह से जी हमारी मेहनत भी जो है ना वो भी रंग लाना शुरू हो चुकी है। ग्रीन ग्रीन आपको नजर आ रहा होगा। और इसको पानी लगा के इसमें भी जंतर एक डेढ़ किलो छांट दे। वही उस दिन लेके आया था ना हाँ। रखा हुआ है तो आज इसको पिलाते हैं। आज इसको पिला के ना जंतर छांट दे हाँ। पैप से पिला दो इसे। पैप से ही पिलाऊंगा। जो सोना आपने देखा है ना मैं तो इसको सोना ही कहता हूँ। ये गर्मियों की तैयारी हो रही है क्योंकि आगे हमारा प्लान है एक दो बकरियां और रखने का। तो गर्मियों में जो है ना वो हरा चारा जो है ना वो नहीं मिलता तो बकरियों को जो है ना इसके अंदर थोड़ा बहुत वो मिला के चोकर वगैरह बंडा वगैरह वो मिला के तो वो बकरियों को जो है ना हम खिलाएंगे। वो वहाँ से जो है ना मामू की तरफ से हमने मांगा था तो वहीं से जो है ना ले रहे हैं। दो तीन खतियाँ आ गई हैं, आखिरी रहती है जो कि हम अभी भरने के लिए जा रहे हैं। ये भी इधर बांधे हुए हैं बाहर। अस्सलाम वालेकुम मरका क्या हाल है? हवा खम दे बैठो गर्मी है। अस्सलाम माशाल्लाह वो बकरा देखो रबिया वो बैठा हुआ है माशाल्लाह। इधर वाली जमीन में भी माशाल्लाह से जी अल्हम्दुलिल्लाह से बीज जो है ना वो उगना शुरू हो चुका है जी अल्हम्दुलिल्लाह से। अब जो उधर हमने बीज लगाया था उसको देखा भी नहीं है कि वो जो है ना किस कंडीशन में है। ये बता रहा है काली के जो है ना उधर पानी की जो है ना उसको जरूरत है। मैंने कहा पानी फिर अपना चला के जाते हैं। कह रहे हैं कि हमने उनको कहा है वो उनको ना क्योंकि मैं इनके जिम्मे लगा के किया था ना तो आज जो है ना उस जमीन को भी पानी लगाना। अल्हम्दुलिल्लाह से ये वाली जमीन भी जो है ना ये भी खाली हो चुकी है। अब जो है ना सबसे पहले उनको तो ऐसे ही ट्रैक्टर लगवा दिया था लेकिन इसको जो है ना अभी पानी लगा के है ना रबिया इसको क्योंकि हमने तो इसको छोड़ना है ना अभी इसको तो अभी छोड़ना है इसमें बीजा लगाना हमने हाँ तो इसको जो है ना पानी लगा के नरम करके ना हाँ, फिर इसमें ट्रैक्टर चलवा देते हैं फिर इसको छोड़ देंगे फिर इधर चावलों का जो है ना वो पनीरी बनाएंगे हम। अच्छा अक्सा से तो मुलाकात कराई ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये कल भी मुझे कहती रही है कि पापा आपने मेरी वीडियो नहीं बनाई मेरी कटिंग नहीं दिखाई आपने। वाह भाई वाह ऐसे ऐसे करके दिखाओ ना बालों को। वेरी गुड जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ऐसे ही कटिंग कराती रहना ठीक है ना। बाल ज्यादा बढ़ेंगे पार्लर वाले ने कहा कि इसके ना कटिंग करवाते रहो इसके बाल बहुत ज्यादा हल्के हैं तो इसकी कटिंग करवाते रहोगे ना बाल अच्छे आ जाएंगे। हाँ जी ठीक है ना। ट्रायंगल हो गया ना ट्रायंगल हुंदे नाल पा के ना आराम नाल वो तय जी ऐसे ऐसे वाला ना उससे जो है ना ऐसे वलेट 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 यो टाइम आई वाला नहीं लभना है भों। हाँ अगले साल इंशाल्लाह अपना ठेगो से क्योंकि अगले साल का मेरा इरादा है ना इसमें उसमें उसमें और उसमें जो है ना गंदम लगा देंगे तो अपना भूसा काफी ज्यादा बन जाएगा। मुझे मैंने तो अभी गौर किया राबिया हाथ दिखाना हाथ हाथ ये वाला ये
कंघी साथ लेके घूम रही है, बालों में कंघी फेर रही है बार बार। जब तक बाल कटिंग हुई ना बालों की इसके। नहीं नहीं माशाल्लाह सिल्की हो गए हैं बाल हैं। हाँ चलो 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 अक्सा थोड़े जवाल में कुड़े नहीं आई अक्सा जो बाल तुमने कटवाए थे वो मुझे दे देती थी मैं इधर लगा लेता। देखो एक दफा मैंने इसको ऐसे कहा ना मजाक में, इसने कहा पापा आप ना मेरे बाल अपने सर पे लगा लो, मैंने कहा फिर मेरे बाल तुम अपने सर पे लगा लो, कह रही है हाँ ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह से जी विलेज तो घूम के आ गए और तकरीबन उनको दिलेंबी की दौड़ कर दी तू भूसे को नहीं तो उसका गारा बना लिया होगा। अच्छा मैं पता है क्या कर रहा हूँ, वो देखो गारा बना रहे काले। हाँ ठीक है वेरी गुड। जैसे पाइप इधर आया हुआ है ना वही पाइप आगे करके ना इसको पिला के ना जैसे काली भी आया हुआ इसमें जमकर छाड़ इससे पी जाएगा। नहीं ट्यूबवेल से नहीं, ट्यूबवेल पूरी जमीन भर इसको अभी दे रहा है। पैप रखा है ना अपने पास। हाँ ट्यूबवेल के मुंह पे पैप वो इतने दूर नहीं जाएगा, चला जाएगा यहाँ तक आता है। हमने लगाया हुआ है जनाब अहमद वहाँ तक गया था। हाँ तो फिर तो वहाँ तक जाना है, वहाँ चला जाएगा आराम से चला जाएगा। चलो देखता हूँ पाइप लगा के इधर जो है ना पानी ट्रांसफर कर दिया है जी, वो जा रहा है अब इसमें पानी लग जाएगा ना फिर इसमें बीज छांट दे। ये वाला बन गया जी VIP किस्म का गाजर का हलवा सॉरी गारा। इससे जो है ना अब हम भूसे को कर देंगे लेप। इंशाल्लाह कद्दू की बेल बड़ी जबरदस्त हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे सुभान अल्लाह मिर्चों में भी फूल लगना शुरू हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाली बेल भी अच्छी होगी माशाल्लाह। लौकी की ये एक बेल ना यकीन करें कि पूरा विलेज खाएगा। दो दिन तो घर से बाहर रहे हैं, दो दिन कोई परेशानी भी नहीं थी, कोई टेंशन भी नहीं थी, लेकिन आज दो दिन के बाद ना परेशानी बन रही है घर में, बहस चल रही है घर में कि आज क्या पकाया जाए। यकीन करें तकरीबन 11 बजे से लेकर 1:40 जो है ना वो हो चुके हैं। रोटी पक गई अद्दी तंदूर पे, अद्दी ने तंदूर पे रोटी भी पका ली है और हम दोनों की जो है ना वो बहस अभी तक ख़त्म जो है ना वो नहीं हो रही क्या पकाया जाए। जो कुछ ले आओगे बेगम साहबा कह रही है जो कुछ ले आओ वही पका लेंगे। मैं कह रहा हूँ कि तुम बताओ कि क्या लेके आऊँ, मैं खुद से भी फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या पकाऊँ। क्या पकाऊँ गोगलू? अद्दी कह रही है शलजम। गोगलू नहीं मौसम है कितना है सुखे गोगलू। अच्छा सुखे गोगलू से याद आया बेगम साहब आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अनमोल खजाना अनमोल तोहफा आया है, आ जाओ ज़रा दिखाऊं तुम्हें। चलो आ जाओ जल्दी से आ जाओ वही पका लो। फ्रिज भी तकरीबन खाली पड़ा है जी, सब्जी वब्जी से बिल्कुल ही खाली है। ये पानी की बोतल है वो भी पानी की बोतलें रखी हुई है, सारा खाली। ऊपर भी कुछ नहीं है वरना कोई चिकन वगैरह रखा होता है ना तो बना ले। नवाज भाई के घर से लाया हुआ तोहफा हमने ऊपर वाले खाने में रख दिया था जो कि पूरे तरीके से जो है ना बर्फ बन चुका है पूरा। पानी भर के ना रखती हाँ ताकि आइडिया हो जाएगा ना कि ये ठीक है या खराब है, क्योंकि जितनी देर में हम लोग उधर गए थे ना जी शादी वाले घर में और गाड़ी मैंने बाहर पार्क की थी धूप में, हालांकि नवाज भाई के घर से लेके गए थे ना तो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे ये अभी जमा हुआ है, लेकिन फिर 2-3 घंटे गाड़ी बाहर रही है ना तो ये बिल्कुल पिघल गया था ना। अब पता नहीं हम लेके तो आए हैं फिर आप तक के साथ ही बेगम साहब ने इसको फ्रीज कर दिया था। फ्रीज में मैंने इसे रखा और फ्रीज बंद कर दिया था। हाँ अब ये दोबारा से जम चुका है, अब ये अनफ्रीज होता है तो फिर देखते हैं ना कि जी पहले ये मैं इसे ठीक है या थोड़ा सा कटोरी में गरम करूं। हाँ ताकि पूरा खराब ना हो। हाँ पूरा खराब, अगर ये पूरा फिटता है तो इसके अंदर मैं दही लगा के जमा के मक्खन निकाल दे। तुम्हारा तोहफा तो दिखाऊं तुम्हें, हटो ना जरा इधर रखा है ख्याल में। हाँ ये रखा है ये देखें जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्योर देसी लहसुन दे प्योर देसी कब देखेंगे सुबह? हाँ प्योर जब मैंने इधर पानी लगाया हुआ था ना उस वक्त। और ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही ज्यादा देसी लहसुन तो वैसे बाजारों में मिलता नहीं है, दूसरे मिलते हैं लेकिन ये ऑर्गेनिक है बिल्कुल ऑर्गेनिक। और अक्सर है ना आपने विलेज में देखा होगा जो उनके ये आग जलाने वाले कोठड़ी होती है ना उनमें यूं करके लटका हुआ होता है,
रस्सी। अच्छा मामी कह रही थी ना इसको धूप में डाल दो ताकि ये अच्छे तरीके से सूख जाए। कहीं धूप में रख दो, उधर उधर रख दो। लहसुन का अचार डालता है ना, इसका अचार डाल। अच्छा अचार से याद आया, मौसम तो आ गई है ना अचार की, मिर्चों की भी तो आ गई है ना, मिर्ची तो तैयार है। मिर्च और लहसुन डाल देती हूँ, मिर्च लहसुन और नींबू का अचार डाल देती हूँ, जब आम का आएगा आम का डाल दूंगा। इसको धूप में फैला के रख दो ताकि ये दो तीन दिन सूखता रहे। हाँ, ये ताकि ये बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सूख जाए। पता क्या करती हूँ, यहाँ पे ना बांध के लटका देती हूँ। हाँ लटका रहेगा, हाँ ना लटका रहेगा धूप में, जब इस्तेमाल का है एक पौधी उतारी और इस्तेमाल। लेकिन ये वो जो तुम कह रही थी ना कोलेस्ट्रॉल के लिए, हाँ जी, ये बहुत आला चीज है। हाँ जी, ये इस्तेमाल करो सुबह सुबह, निहार मुँह लेने चाहिए एक ये जवा, इसको ना एक काट के ना टुकड़ों में एक चमची के साथ खा के ना और ऊपर से पानी पी लो, ये बहुत फायदेमंद। कल से बेगम साहिबा ने और मैंने एक और फैसला जो है ना वो किया है, और वो फैसला जो है ना जी वो ये किया है कि हर दफ़ा एक नई मुसीबत जो है ना हमारे गले पड़ती है हर दफ़ा। अब जो है ना 100% जो है ना जी, इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में जो है ना हम ये वाली गाड़ी जो है ना ये सेल कर देंगे। अगर आप में से कोई कस्टमर अच्छा है तो हमसे इंस्टाग्राम पे रब्ता करें, हम इसका रेट भी बता देंगे। हाँ जी इंशाल्लाह, हमारी डिमांड क्या है, 2015 मॉडल है। हाँ जी बिल्कुल, समझ लें कि ओरिजिनल आपको बता देंगे और आप अपनी भी राय हमें बता दीजिएगा। बिल्कुल माशाल्लाह से ओरिजिनल हालत में है और वन हैंड है हमारे घर में, ये हम खुद ही इस्तेमाल करते हैं, फैमिली इस्तेमाल की है। सिर्फ और सिर्फ जो है ना मैं थोड़ी बूढ़ी हो गई है ना इस वजह से, क्या थोड़ी बूढ़ी भी और फिर थोड़े से आगे से अकराजात भी बढ़ गए, जमीन लिए ठेके पे आकर उसके पैसे भी देने, उसमें बीज भी लगाना है, उसको खाद स्प्रे भी करनी है, काफी सारे। फिर समझ लें कि जब बंदा किसी भी बिजनेस की तरफ कदम बढ़ाता है ना तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर थोड़ा सा परेशान होता तो किसी से कुछ ना कुछ लेता है, तो इस हिसाब से कुछ समझ लें कि पैसे भी किसी के देने, तो ये गाड़ी जो है ना सेल करके कुछ उसको भी दे देंगे, कुछ हम भी इजी हो जाएंगे। आप ये देखें कि अगर आप जमीन में जितना पैसा लगाओगे ना उतना ही वो जमीन, अब जैसे है ना जी कोई लोहा कोई चीज कोई चीज जो है ना किसी किसी बंदे को जो है ना अच्छे तरीके से रास आती है, ये वाला जो लोहा है ना ये वाली गाड़ी जो है ना ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से रास है, ये वाली जो है ना ये वाली हमें समझने के रास नहीं आ रहा, रास नहीं है। सिर्फ जो है ना अब देखें इसका ये वाला शीशा जो है ना इसका वो डोरी उतरी हुई है। खैर ये तो मैं आज शहर नहीं जा पाया क्योंकि आज बिल्कुल ही थके हारे हुए थे और आज तो कहीं निकल भी नहीं सकते हैं अभी, यकीन करें कि सब्जी लेने के लिए भी मैं नहीं जा रहा हूँ। बस इसे जल्दी से वॉश करवा के अच्छी तरह से फ्रेश करवा के इसे सेल करेंगे, जमीन को पैसा देंगे, जितना जमीन पर खर्चा करोगे उतना जमीन सोना उलेगी माशाल्लाह, अगली फसलों की तैयारी। ये लोग ना अगर इसको पहले एक दफा पानी लगा देते, पानी लगाने के बाद जो है ना फिर इसमें ये हल चलाते ना तो ये बहुत ज्यादा नरम हो जाती और ये अच्छे तरीके से जो है ना इसमें हल चल जाता। भैया तुमने सही कहा था कि वो वाली ट्यूब अगर लगा लेता ना लेकिन ये जमीन खराब हो जाती। खैर अब जब जो है ना इस जमीन को पानी लगाऊंगा ना तो फिर देखो 2 घंटे चलाई है मैंने मोटर, ये थोड़ा सा है नहीं नहीं कोई मसला नहीं, इसको 2 दिन है पानी लगाने को, 2 दिन के बाद जब इसको पानी लगाऊंगा ना तो फिर इसको यहाँ से काट देंगे, फिर इसमें जो है ना पानी भर लो। 2 घंटे में मैंने सोचा है कि इतना सारा कुछ भरा है तो ये तो शाम तक भी मोटर चलती रहे तो भी नहीं भरेगी है ना, क्योंकि इसको तो अच्छे खासे तरीके से पानी चाहिए होता है ना, उसके बाद फिर नरम होगी फिर जाके बिजाई होगी ना, तो फिर इसको छोड़ दिया। अब जब इसको लगाएंगे ना पानी तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह पाक जी हमारी मेहनत को भी रंग लाए जी, आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस जंतर को जो है ना हमने ना जी कुर्बानी से जो है ना पहले जो है ना इसको मुकम्मल करना है कि जब आप अपनी मेहनत देखते हो कि वो रंग लगाती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेहनत नहीं देखी तुमने, मैंने देखा है माशाल्लाह कद्दू की बेल बड़ी जबरदस्त हो रही है, और इसमें अगर आप अच्छे से अच्छी खाद और अच्छे से अच्छा स्प्रे दोगे तो जितनी अच्छी खाद है जितना अच्छा स्प्रे दोगे ये उतनी जल्दी आपको सोना उगल कर देगी इंशाल्लाह। जम इनसे तो आपसे मुलाकात ही नहीं कराई माशाल्लाह, आप तो काफी ठीक हो गए। ये मेरे पीछे भागते हुए है कि बकरी अम्मा को हमारी पकड़ेगी और हम फीड करेंगे, चलो कराओ फीड इनको। और ये है यमुना, ये देखे माशाल्लाह। अच्छा जी काफी सारे कमेंट्स थे कि ये जो यमुना जमजम है ना ये थोड़े से वीक है तो इसकी जो है ना फीड का आप खास ख्याल रखा करें। असल में जितना दूध होता है बकरी बेचारी उतना ही वही हम पिला लेते हैं इनको,
लेकिन अब ये बड़े हो रहे हैं ना अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इन्होंने घास खाना भी शुरू कर दिया ना। हाँ, ये चरकू हो रहे हैं, अभी बेफिक्र नहीं होएगी। हाँ जी, क्योंकि ये अपना पेड़ खुद भर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े से बड़े होंगे ना तो फिर ये सही तरीके से घास खाना शुरू कर देंगे, बाकी हमें भी लग रहा है। लेकिन आप यकीन करें कि दूध के लिए हम खुद भी बहुत परेशान हैं कि हमें अपनी चाय के लिए भी बहुत मुश्किल से दूध मिलता है, तो इन बेचारों के लिए हम जो है ना कैसे अरेंज करें, ये काफी परेशानी बन रही है। खैर, अल्लाह पाक करम करेगा जी इंशाल्लाह। आगे आगे कुछ प्लान हैं इंशाल्लाह, अल्लाह पाक उसमें भी कामयाबी देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इस वीडियो का इख्तिताम करेंगे, आप सबसे मिलेंगे इंशाल्लाह कल, क्योंकि अभी खाने के ऊपर हमारी बहस होगी, क्या पकाएं क्या पकाएं क्या पकाएं। और अहमद साहब जा नहीं सकते लेने के लिए क्योंकि घर पे गाड़ी नहीं है, भाई का भाई आया हुआ, बाइक नहीं है, शहर गया। हाँ जी हाँ जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।